मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की कामयाबी ने देश भर के राजनीतिक दलों को नया सियासी बाण दे दिया है, जिसके जरिए राजनीतिक दल वोटर्स पर अचूक सीधा निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। इसके उलट फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों की योजनाएं राज्यों का पूरा आर्थिक ढांचा ही कमजोर कर रही हैं, तहस नहस कर रही हैं, जिसे मध्य प्रदेश के ही उदाहरण से समझा जा सकता है। देश के 8 राज्य मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अपना चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया है। यहां पहले कांग्रेस ने 2,000 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया था, फिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 100 रुपये बढ़ाकर इसे 2,100 रुपये करने का वादा किया है। वहीं ओडिशा में भी सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 21 से 60 साल तक की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये देने का दावा किया जा रहा है। यानी देश के कई राज्यों में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ सी मची हुई है। कैसे, देखिए हमारा ये खास विश्लेषण। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को हुई। तब से अब तक योजना के तहत 15 किस्तें बांटी जा चुकी। सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए कितनी रकम का आवंटन किया है और अब तक कितनी रकम बांटी जा चुकी है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। इसके इतर प्रदेश सरकार के खजाने की क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं। योजनाओं की पूर्ति के लिए मोहन सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 3,75,578 करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 31 मार्च 2023 तक सरकार पर 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज। इसके उलट सरकार की आमदनी महज 2,63,817 करोड़ रुपए ही, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जितना सरकार का बजट है उससे कहीं ज्यादा सरकार पर कर्ज है और आय भी सीधे सीधे 1,00,000 करोड़ रुपए से भी कम है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन से अब तक 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया जा चुका है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। बजट गड़बड़ाने का असर दूसरी योजनाओं पर भी बुरी तरह पड़ रहा है। योजनाएं बंद होने के कगार पर आ गई हैं। सरकार ने इन्हें ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी भी कर ली। इसके पीछे लाडली बहना योजना को ही वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना सब पर भारी पड़ रही है। मौजूदा हाल ये है कि मेधावी बच्चों को ना तो इस साल अब तक स्कूटी मिल पाई है और ना ही लैपटॉप। मध्य प्रदेश में 12वीं में स्कूल टॉपर स्टूडेंट्स को स्कूटी देने की योजना है। पिछले साल सूबे में 7,790 बच्चों को स्कूटी दी गई थी। इस पर 79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बार ऐसे 25,000 से ज्यादा टॉपर्स हैं जो स्कूटी योजना के लिए पात्र हैं। एक स्कूटी की औसत कीमत यदि 1,00,000 रुपए भी आंकी जाए तो 25,000 बच्चों के मान से सरकार को 250 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में 12वीं में 75% से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। बीते साल 78,641 बच्चों को ये राशि बांटी गई थी। इस बार ऐसे बच्चों की संख्या करीब 90,000, यानी इस लिहाज से सरकार को 225 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए। इस तरह ये दोनों योजनाएं भी अच्छा खासा बजट ले रही हैं। इसलिए फिलहाल इन्हें लेकर सरकार स्तर पर कोई भी सुगबुगाहट नहीं। सूत्र बताते हैं कि सरकार इन दोनों योजनाओं को बंद करने का मन बना चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि बीते दिनों बच्चों को साइकिल नहीं मिलने की खबर मीडिया में आने के बाद सरकार हरकत में आ गई। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिए हैं कि साइकिल बांटने की तैयारियां शुरू की जाए। दावा किया जा रहा है कि 4,50,000 बच्चों को साइकिल दी जाए। ये भी तब है जब शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 3-4 महीने बीत चुके हैं, मतलब 3-4 महीने से बच्चे परेशानी उठा रहे हैं।
और अभी भी ये तय नहीं है कि उन्हें साइकिल कब तक मिल पाए। इसके इतर सरकार ने 33 विभागों की 70 से ज्यादा योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया, मतलब विभाग सीधे कोई काम नहीं कर पाए। हालांकि ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें सरकार खर्चों पर लगाम लगाने के लिए अलग अलग प्रावधान करती है, लेकिन इसके दायरे में जनता से जुड़े कई तरह के काम आ गए। मसलन MSP पर किसानों से फसल की खरीदी पर उन्हें बोनस देना, किसानों को अल्पकालीन कर्ज के ब्याज पर अनुदान देना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना वगैरह शामिल। बजट का संतुलन बनाने के लिए सरकार अब नए नए हथकंडे अपना रही। वित्त विभाग जीरो बजटिंग का गणित लेकर आया है। इसमें बजट का अनुमान जीरो से लगाया जाता है, यानी बीते साल में खर्च से जुड़े आंकड़ों को किसी तरह का कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रणाली में काम इस आधार पर शुरू होता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य। दूसरे शब्दों में कहें तो विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि योजनाएं प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। इसके लिए हर योजना की दोबारा समीक्षा करनी होगी ताकि उनकी जरूरत का सही मूल्यांकन किया जा सके। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां महिलाओं के लिए फ्रीबीज स्कीम्स लॉन्च की गई हैं या की जा रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च हो चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना है, कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना है, महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन योजना है, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना है, ओडिशा में सुभद्रा योजना और तमिलनाडु में मांगलिर उमरई योजना है। प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए 18,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि का आवंटन किया गया। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। सूबे की 1,29,00,000 महिलाओं को अब तक 15 किस्तें बांटी जा चुकी हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक बीते 8 महीने में योजना के तहत महिलाओं को 11,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।